अभी हम आपको अजंता सॉलिड कुकू सीरीज घड़ी में स्पीकर रिप्लेस करने का तरीका बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, कटर और सेलो टेप। सबसे पहले हम पेंडुलम को घड़ी से निकाल लेंगे। पेंडुलम निकल जाने के बाद दोनों शोपीस को निकालेंगे। निकल जाने के बाद अब हम बैक कवर को निकालेंगे। बैक कवर निकालने के लिए जो ओपन लिखा है उस तरह ऊपर ले जाकर बाहर खींच लेंगे। उसके बाद अब हम घड़ी में नया मैकेनिज्म फिट करेंगे। मैकेनिज्म फिट करने के लिए सबसे पहले केबल लॉक को कट करेंगे। केबल लॉक कट करने के बाद मैकेनिज्म की जो वायरिंग है उसे अलग करेंगे। वायरिंग कैप से ही अलग करना है। इसमें कोई भी वायर को कट नहीं करना है। इस तरह से हमारा मैकेनिज्म का वायरिंग अलग हो गया है। अब हम आगे की ओर से मैकेनिज्म के स्क्रू को खोलेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो डोर है उसे बाहर निकालेंगे। डोर निकालने के लिए लॉक ही दिए गए हैं, उसे लॉक में से सीधा करके खींच लेना है। अब हम दोनों तरफ दिए गए स्क्रू को खोलेंगे। इस तरह से पीछे की तरफ से मूवमेंट हमारा निकल जाएगा। उसके बाद अब हम घड़ी में नया मैकेनिज्म फिट करेंगे। फिट करने के लिए मैकेनिज्म को पीछे की तरफ से इस पोजीशन से बाहर लाएंगे। बाहर लाने के बाद आगे का जो विंडो है उसको लगाकर दोनों स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे। मैकेनिज्म के स्क्रू फिट हो जाने के बाद अब हम खिड़की के दरवाजे लगाएंगे। दरवाजे लगाने के लिए सबसे पहले नीचे दिए गए लीवर को इस तरीके से फिट कर लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद दरवाज़ों को ऐसे लॉक करना है। इस तरह से हमारी एक बाजू की खिड़की का दरवाज़ा लग गया है। अब दूसरी तरफ भी ऐसा ही रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा मैकेनिज्म लग गया है। अब हम मैकेनिज्म का वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए जो कनेक्शन हमने खोले थे उसे वापस कनेक्ट कर लेंगे और वायरिंग कैप की मदद से फिट कर लेंगे।
ट्विस्टिंग अच्छी तरीके से करना है। वायरिंग कनेक्शन हो जाने के बाद अब हम केबल टाई की मदद से वायरिंग को सही तरीके से समेट कर रख लेंगे। और केबल का बचा हुआ हिस्सा काट लेंगे। इस तरह से हमारा मैकेनिज्म घड़ी में फिट हो गया है। और इसके बाद अब हम घड़ी में पेंडुलम फिट करेंगे। पेंडुलम इस तरीके से फिट करने के बाद अब हम बैक कवर को फिट करेंगे। बैक कवर फिट करने के लिए ऊपर की तरफ ऐसे रख कर नीचे की तरफ पुश करना है। तो इस तरह से हमारा बैक कवर फिट हो गया है।